एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि एट द इंस्टेंस ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए एट द इंस्टेंस ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब होता है के हुक्म पर या के आदेश पर या के आग्रह पर। कई बार लोग ये भी कहते हैं के कहने पर। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं के आदेश पर, के हुक्म पर, के आग्रह पर या के कहने पर को बोलने के लिए आप कहेंगे एट द इंस्टेंस ऑफ। कैसे बोलेंगे आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो चेयरमैन के हुक्म पर या चेयरमैन के आदेश पर या चेयरमैन के कहने पर वे लोग सड़क के लिए रास्ता छोड़े, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एट द इंस्टेंस ऑफ द चेयरमैन दे लेफ्ट स्पेस फॉर रोड। यानी चेयरमैन के कहने पर या चेयरमैन के हुक्म पर वे लोग सड़क के लिए रास्ता छोड़े। अगर आपको कहना हो जज के कहने पर दोषी कटघरे में आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एट द इंस्टेंस ऑफ द जज द कन्विक्ट केम इन द विटनेस बॉक्स। यानी जज के आदेश पर या जज के कहने पर या जज के हुक्म पर मुजरिम कटघरे में आया। अगर आपको कहना हो सीएम के आदेश पर यहाँ एक ब्रिज बनाया जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एट द इंस्टेंस ऑफ सीएम अ ब्रिज विल बी बिल्ट हियर। यानी सीएम के कहने पर या सीएम के आदेश पर यहाँ एक ब्रिज बनाया जाएगा। अगर आपको कहना हो आपके कहने पर मैंने यह किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डिड दिस एट द इंस्टेंस ऑफ यू। यानी आपके कहने पर मैंने यह किया या आपके हुक्म पर मैंने यह किया। यहाँ मैं आपको बता दूं एट द इंस्टेंस ऑफ का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। अगर आप इसे सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो आपको कॉमा देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि एट द इंस्टेंस ऑफ क्या है। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।